हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अर्षा। कुकिंग सुकिंग विद अर्षा में आपका स्वागत है। चलिए किचन में चलते हैं। तो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे चॉकलेट पेस्ट्री। चलिए बनाते हैं फटाफट। तो यहाँ पे मैंने एक पैकेट ओरियो बिस्किट ले लिया है। जो बिस्किट यहाँ पे मिक्सी में ले लिया और क्रीम अलग कर दिया है, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और इसे हम कोको पाउडर के जगह पे यूज़ करेंगे। ये बहुत ही मीठा रहता है। कोई ज़रूरी नहीं कि कोको पाउडर रहे, बिना कोको पाउडर के भी बिस्किट केक बन सकता है। अच्छे से सेम वही फ्लेवर रहेगा और कोई बता नहीं सकता कि हमने बिस्किट से बनाई है, कोको पाउडर नहीं डाला है। एक बड़ा सा बाउल ले लिया है मैंने। इसमें मैं एक चम्मच बटर लूंगी। ये सॉल्टेड बटर है। बड़े चम्मच से एक बड़ा चम्मच लेना है बटर। और ये मिल्क मेड है, जो कि ये 50 ग्राम तक है, बचा हुआ है मेरे पास। मैं इसे भी डाल दे रही हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं है तो आप दही डाल दीजिए इसके जगह पे, उससे भी केक बहुत अच्छा फूलता है। इसमें 2 चम्मच मैं शक्कर डालूंगी। और इन सबको अच्छे से एक पेस्ट तैयार करेंगे। ये तैयार हो गया है। इसमें मैं 250 ग्राम मैदा डालूंगी, जो कि 1 कटोरी मैदा है। आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालूंगी। एक चम्मच बेकिंग पाउडर डालूंगी। और इस बिस्किट को इसमें मिक्स कर देंगे, जो मैंने पीसा हुआ था। अगर अच्छे से ना पीसा हो तो उसे छान सकते हो, आप छान लीजिएगा, वरना वो अगर दरदरा रहेगा तो अच्छे से नहीं बनेगा। ये दूध है, मैंने 250 ग्राम ले रखा है। इसे थोड़ा थोड़ा करके इसे घोलेंगे, केक का पेस्ट तैयार करेंगे। मिक्स करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि पेस्ट गाढ़ा है तो थोड़ा और दूध मिक्स कर लेंगे। हो गया है। ये एक टिन ले लिया है मैंने, केक टिन ले लिया है। अगर आपके पास ना हो तो कुकर का भी ले सकते हैं डब्बा, या फिर कोई एल्युमिनियम का टूप वगैरह हो तो वो भी ले सकते हैं। उसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। और बटर पेपर डाल दीजिए उसमें। बटर पेपर ना हो तो आपके पास प्लेन पेपर होता है ड्राइंग का, उसमें आप ऑयल लगा लीजिए दोनों साइड से, बटर पेपर तैयार हो जाएगा। एक्स्ट्रा हिस्सा जो है उसे मैं कट कर दे रही हूँ। इसमें घोल को डाल देंगे। टिन को अच्छे से टैप कर देंगे, जैसे कि उसमें बबल्स ना रहे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसमें नमक डाल दिया है और वायर स्टैंड डाल दिया है। आपके पास वायर स्टैंड ना हो तो कटोरी डाल दीजिएगा। चलिए इसे मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। इसे आधे घंटे के लिए ढक देंगे। एक बड़ी थाली से ढक दिया है मैंने। चलिए चेक करते हैं ये हो गया है कि नहीं। ये हो गया है, क्योंकि नाइफ एकदम क्लीन निकल रही है। चलिए इसे निकाल लेते हैं।
प्लेट में। निकालते समय हल्का सा टैप कर दीजिए, पीछे से अगर चिपका रहता है तो निकल जाता है आसानी से। ये निकल गया है। चलो इसके अंदर का बटर पेपर निकाल देते हैं। तो यहाँ में मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है पेस्ट्री की तरह, और इस पर चॉकलेट सिरप लगा दिया है, और चोको चिप्स से इसे मैंने डेकोरेट कर दिया है। वाइट रंग का चोको चिप्स और चॉकलेट कलर का ले रखा है। आपके पास ना हो तो आप बादाम भी डाल सकते हो बारीक बारीक कट करके, वो भी बहुत अच्छा दिखता है, और काजू भी डाल सकते हो। तो फ्रेंड मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।